मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज भिंड जिले के फूक में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। सीएम मोहन यादव ने कहा कि पहले अमेठी की जनता ने उन्हें हराया, अब उन्हें रायबरेली की जनता हरा कर भेजेगी। जनता मन बना चुकी है, भाजपा ही विकास का पहिया है और लोग भाजपा को ही वोट करेंगे। वहीं उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर उन्होंने जो आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है, इससे पता लगता है कि कांग्रेस किस हद तक जा सकती है। अमेठी से हार कर गए वायनाड से हार के डरते मारे आए रायबरेली। जब अमेठी से रायबरेली आ रहे थे, भाई बहन ने टिकट कराई थी कि तुम यहाँ रायबरेली से प्रियंका लड़ लेगी, अमेठी से वो लड़ लेंगे। इनके पहले जीजाजी ने पोस्टर लगा दिए थे, यानी मैं लड़ूंगा। ना वो लड़े जीजा, ना उनके अपनी बहन लड़ी। बीच में घुस गए पप्पू जी, जिसको कहा जाए बहन बेटी का हक भी मार रहे हैं। देखो तो सही इनको।